हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी, यहाँ तक कि बच्चे भी इसे आराम से खा लेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। खाने में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम करेला लिया है और इसको अच्छे से धो के हमने सुखा लिया है। अब हम इसके करेले के साइड को एजेज को कट करके हटा देंगे और हम करेले को गोल गोल पीसेस में हम काट लेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें जो मोटे मोटे बीज होंगे वो अपने आप निकल जाएंगे। बस आप इसे गोल गोल पीसेस में काट लीजिए। इसकी साइज ना मोटी ना पतली रखनी है, हमें मीडियम साइज में इसको गोल गोल करके काट लेना है। ऐसे करके हम सभी करेले को हम काट लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में और ये कड़वी नहीं बनती है, तो बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो हमने कट कर लिया है सारे करेले को। अब हम एक बड़े से बाउल लेंगे और उसमें सारे करेले को हम डाल देंगे। करेले के कड़वेपन को हटाने के लिए हमें इन करेलों में हम एक चम्मच क्या करेंगे, नमक डाल देंगे, जिससे कि इसकी जो कड़वाहट है वो सारे निकल जाए। इसको हम क्या करें, अच्छे से हम मिला लेंगे। हाथ की सहायता से हम इसको मिला सकते हैं या इस पे प्लेट रख के, देखिए जैसे मैं वीडियो में मिला रही हूँ, ऐसे करके हम इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। आधे घंटे हो गया है, आप इसमें देख सकते हैं ये करेले में कितना मॉइस्चर आ गया है, आ गया इसमें मॉइस्चर। ये ना कड़वाहट इसके सारे निकल गए हैं। इसको हम एक पतीले में पानी लेकर इसको हम अच्छे से धो लेंगे। इसको अच्छे से मच के धोना है और इसको अच्छे से निचोड़ के हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। इसको अच्छे से सुखा लेना है। सभी करेले को हम इसमें निकाल लेंगे। जो जो बीज निकल गया उसको हम छोड़ देंगे। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप बीज को भी रख सकते हैं। हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम डालेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, को गर्म होने देंगे। और ये सब्ज़ी मैं सरसों तेल में बना रही हूँ। सरसों तेल में बनाए बहुत टेस्टी बनती है। हमने लिया है 4 से 5 चम्मच हमने तेल लिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे कि इसमें से धुआं जो निकलने लगे। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारे करेले को डाल देंगे। इनको अच्छे से इसको हम इसमें भून लेंगे, जिससे कि ये आधा इसी में तेल में पक जाए, फिर हम आधा मसाले में पकाएंगे इसको। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है खाने में। देखिए हमारा ये करेला भुन चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। एक झांच की सहायता से हम इसको सारे को निकाल लेंगे एक प्लेट में। सरसों तेल में बनाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमने निकाल लिया है और बचे हुए तेल में हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच डालेंगे हम जीरा, आधी छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें सौंफ। सौंफ से ये सब्ज़ी बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। इसको भूनने के बाद डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च, हमने लंबी लंबी कट कर लिया है। आप चाहे तो गोल गोल पीस में कट कर ले। और अब ये, और हमने लिया यहाँ पे 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब प्याज को भी हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाए। प्याज का जो मीठापन है ना वो बहुत अच्छा लाता है इस करेले की सब्ज़ी में टेस्ट, जिससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो हमारा प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे। हमने डाला आधी चम्मच धनिया पाउडर, धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें सूखी सब्ज़ी में। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हम हिसाब से लेंगे यहाँ, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला करेले में, इसलिए हम थोड़ा कम लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और सभी मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे प्याज में। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है,
क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। और हमारा पर करेला जो है वो तेल में अच्छे से सीज चुका है और जो भी बचा हुआ है वो हमें इसमें मसाले में सीज जाएगा, इसलिए हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। प्याज भुनने के बाद हम डाल देंगे इसमें करेला जो हमने भून चुके थे। अब हम सभी को यहाँ मिला लेंगे अच्छे से, हमें ढकना भी नहीं है इसको, ऐसी हमें भून भून के अच्छे से पकाना है। 5 से 7 मिनट हम इसको ऐसी चलाते हुए पकाएंगे, जो भी कच्चा होगा कच्चा पक्का वो सारे इसमें पक जाएंगे मसाले में। अब इसमें हम डाल देंगे अचार का मसाला, मैं डाल रही हूँ, आप चाहे तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसमें, हमने 1 चम्मच के करीब लिया है। ये खट्टापन इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब इसको हम अच्छे से मिला सक देंगे। आप देख सकते हैं हमारा सब्जी पक चुका है एकदम करेले की, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ये खाने में भी इतनी टेस्टी लगती है। आप चाहे तो धनिया, हरा धनिया आप इसी टाइम मिला दें या फिर प्लेट में निकाल के मिलाएं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसमें हम ऊपर से धनिया, हरा धनिया का पत्ता डाल देंगे। इसके आप रोटी पूरी के साथ, पराठे के साथ ले सकते हैं, दाल चावल पे भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।